हाय फ्रेंड्स, मधुर किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए ला रही हूँ सेंगदाना के लापसी। आपने लापसी तो खाई होंगी, मीठी लापसी खाई होंगी आपने, और देखी और सुनी भी होंगी, मगर ये नई लापसी है जो सेंगदाना से बनाई जाती है। ये लापसी हमें बहुत ही काम की चीज है, जहाँ हम ट्रैवलिंग के लिए बाहर जाते हैं और हमें बड़ा सवाल पड़ता है कि क्या लेके जाए हम सब्जी, तो ये उसके लिए हमें ये बहुत काम आती है ये चीज। तो हमें ये देखना है कि हमें क्या लगता है लापसी बनाने के लिए। मैंने सेके हुए सेंगदाने लिए थे, उसका दरदरा ऐसे इस तरह से मैंने पीस लिया है। लाल मिर्च ली है मैंने, धनिया पाउडर है, राई जीरा है, तेल है, नमक, स्वाद अनुसार नींबू डालेंगे, और धनिया पत्ती है, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता है। तो देखते हैं हमें क्या चाहिए, कैसे बनाना है। गैस हम ऑन करेंगे, उसमें हमें तेल डालना है। तेल भी बहुत कम लगता है इसमें। मैंने एक कटोरी दाने का कूट लिया हुआ है, तो उस हिसाब से हमें इतना तेल काफी हुआ। और अभी हम देखते हैं कि कैसे बनाना है। तेल गर्म होता है तब तक हम देख लेते हैं। एक डिश में हम सब निकाल लेंगे, उसके अंदर हमें मिर्च डालना है। हम कम ज्यादा कर सकते हैं स्वाद अनुसार। मैंने एक टीस्पून मिर्च ली है, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, नमक स्वाद अनुसार लेंगे, ज्यादा नहीं डालना है पहले, और थोड़ा सा नींबू डालेंगे। आप चाहो तो शक्कर के दाने भी डाल सकते हो, और थोड़ा पानी डालेंगे इसके अंदर। इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है, इस तरह से गीला करेंगे इसको। अगर आप तेज खाना पसंद करते हैं तो मिर्च डाल भी सकते हो। इसे हम पराठे के साथ में खाएंगे तो बहुत बढ़िया लगती है। तेल भी हमारा गर्म हो गया है, अभी हम उसमें तड़का देंगे। हींग डालेंगे इसके अंदर थोड़ा। मैंने कड़ी पत्ता और बारीक हरी मिर्च काटी हुई ली है, उसको भी डाल देना है। डालेंगे इसके अंदर पानी डाल के अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। जो हमने धनिया पत्ती ली थी वो भी इसमें डालेंगे, और अच्छी तरह से मिक्स करके बनाने में भी कोई देर नहीं लगती। बहुत ही फास्ट सेंगदाना की लापसी बनके रेडी हो जाती है। 10 मिनट में तो हमारी ये लापसी रेडी हो जाएंगी। अभी इसके ऊपर हम ढक रखे 10 मिनट के लिए रहने देंगे, और बीच बीच में हिलाते रहेंगे कि ताकि हमारे नीचे लगे ना इस। तरह से हमें मिक्स करके ढक देना है, और बीच बीच में देखते रहना है। देखना है हमें किस तरह है। हम इसे टेस्ट करके देख सकते हैं, और हमारी लापसी बनके रेडी भी हो रही है। तो हमें इसमें मैंने इसमें शक्कर तो नहीं डाली थी, मगर शक्कर के बिना मजा नहीं है, इसलिए हमें थोड़ी सी डालनी है, थोड़ी ही डालनी है, ज्यादा नहीं डालना।
और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपसे कभी बनाते वक्त पानी भी ज्यादा हो गया है तो इसमें ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, तो थोड़ा वो पानी सोखने देना है, सोखने के बाद बराबर हो जाएगी। बीच बीच में हमें इस तरह चेक करना है और हिला लेना है। इसका तेल अगर छूटने लगा है तो समझना कि हमारी लापसी बनके रेडी हो गई है। बनने में कोई देर नहीं लगी, 10 मिनट में रेडी हो गई है। ये हमारे यहाँ ठंडे पराठे अगर रहे भी तो उसके साथ खाने में भी बहुत बढ़िया लगती है, तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं। इसे ज्यादा दाने का कूट जो बनाते हैं हम, तो ज्यादा ऐसे बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है कि ताकि हमारी लापसी खाने के लिए अच्छी लगे। देखते हैं हमारी लापसी रेडी हुई क्या। हमारी लापसी तो बनके रेडी हो गई है। अभी हम इसे सर्व करने के लिए बाउल में निकाल लेंगे और गैस ऑफ कर देते हैं। हमारी लापसी बनके रेडी हो गई है और अभी हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय।